अजय की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, क्या स्थितियां हैं वो इस वक्त बता रहे थे। लेकिन इसी पूरे मामले पर आपको बता दें कि डीआरएम का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। गोंडा रेल हादसे पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम आदित्य कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पूरी रेलवे के करीब 700-800 लोग बहाली को लगे हुए हैं और कल दोपहर से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक हम पटरी फिट कर देंगे। नहीं, ट्रेनें तो डाइवर्टेड रूट से जा रही हैं, कुछ ये है, पर ये अभी हम शाम तक कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई, कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई हैं। इस वक्त आप सुन रहे थे गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी खबर, इस वक्त ग्राउंड पर क्या है ये आपको बता रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं ट्रैक से। हालांकि मलबा हटाने का काम अभी जारी है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद आवाजाही भी बाधित हुई है। अभी क्या स्थितियां हैं इसके लिए सीधे रुक करेंगे अजय दुबे का। अजय अभी बताइए क्या अपडेट आपके पास। देखिए अभी का काम सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरेशन पर फोकस है। मैं पहले दिखाता हूं कि काम क्या हो रहा है। जरा इन पटरी के हिस्से को देखिए, ये दो पटरियों का रूट है, एक पटरी आपको यथावत दिखाई देगी और दूसरी पटरी की हालत देखिए। और पटरी के संग जरा बिखरे हुए इन डब्बों को देखिए, ये ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए ट्रेन के डब्बे हैं। ये डिब्बे बता रहे हैं कि क्या भयावह मंजर रहा होगा, किस तरीके से ये पटरियां, इन पटरियों को देखिए जो यहाँ पर आपको इकट्ठी एक जगह पर पटरियां दिख रही हैं, जो कल दिन में 2 बजे से पहले ठीक इस जगह पर बिछी हुई थी, जिन पर ट्रेनें दौड़ रही थी। कल यहां पर जिस तरीके से ये दुर्घटना होती है और पूरा ये ट्रेन का हिस्सा आप देखिए कैसे तकरीबन आधा दर्जन डब्बे हैं। सचिन सैनी एक छोर से दूसरे छोर तक आपको पैन करके दिखाएंगे कि कैसे ये डब्बे यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कुछ डब्बे चकनाचूर स्थिति में बिल्कुल पड़े हैं, कुछ डब्बे हैं जो आधा पानी में डूबे हुए हैं। सुबह सुबह एक और शव भी बरामद किया गया है, लेकिन लगातार इस समय जो प्राथमिकता है वो रिस्टोरेशन की है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आज शाम तक इस रूट को चालू कर दिया जाएगा, रिस्टोरेशन पूरा हो जाएगा। जहां जरूरत है वहां हाथों से, जहां जरूरत है वहां ये जेसीबी मशीनें हैं, आधा दर्जन जेसीबी मशीनें हैं जो इस समय काम कर रही हैं। और एक और ट्रेन को आप देखेंगे जो लेकर पहुंची है उन पिलर्स को जिनके ऊपर ये पटरियां फिक्स की जाती हैं और जो गिट्टियां हैं। अजय नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए हादसा जहां हुआ है तेजी से वहां पर काम इसलिए जारी है क्योंकि कई ट्रेन जो है आवाजाही के लिए बाधित हो चुकी है, कई ट्रेनें डिले चल रही है। यही वजह है कि जल्द से जल्द जो है उस रास्ते को भी बहाल करने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन देखिए यूपी के गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी हो गई, जिसमें आपको बता दें कि 3 लोगों की जान चली गई है जबकि 30 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई में क्या हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। हालांकि हादसा होने के बाद अब रेलवे प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पटरियों पर बिखरी ट्रेन की बोगियां, लोगों की चीख पुकार, ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रेन के करीब 21 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से 3 बोगियां पलट गई जबकि बोगियों का मलबा पटरियों पर फैल गया। इस घटना से वहां दहशत फैल गई, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के शीशे तोड़कर बाहर निकले तो कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से बोगियों से बाहर निकाला गया। बाल बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आपको 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे प्रशासन, SDRF और NDRF के कई टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ट्रेन की बोगियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए,
गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ट्रेन हादसे के बाद इस रूट पर 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जबकि 11 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से ट्रैक से बोगियों को हटाया गया। इसके बाद पटरियों से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। गोंडा में रेलवे की तरफ से रिस्टोरेशन का काम जारी है। रेस्क्यू का काम पूरा हो गया, लेकिन डब्बों के रेस्क्यू के दौरान जो देखिए कैसे ताश की तरह बिखरे हुए डब्बे हैं रात में, और भी शव इसमें निकले हैं। देखिए कैसे जो शव मिला रात के दौरान उसे पटरी के बगल में रखा गया है। मौत का जो आंकड़ा है तकरीबन 4 के पास रात में पहुंचा हुआ था। अभी एक और शव बरामद किया गया है। लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये डब्बे खेतों में भी चले गए थे, डब्बे कुछ पानी में भी चले गए थे, तो वैसे में रेस्क्यू के ऑपरेशन में थोड़ा समय लगा, लेकिन देर रात एक और शव पर बरामद किया। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार ने बताया कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि DGP प्रशांत कुमार ने किसी तरह के विस्फोट होने की बात से इनकार किया है। हादसे की वजह जानने के लिए CRS यानी रेल सुरक्षा आयुक्त रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे जांच टीमों को ट्रैक पर अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला। फिलहाल इस भीषण हादसे के बाद रेलवे मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हुए बात राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह की कर लेते हैं। भानवी सिंह ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं और भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखकर ये बात कही। उन्होंने कहा, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी, लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का भी संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरने की बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द मैं लड़ाई लड़ने वाली हूँ। तो राजनीति में आने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं। नई पारी के लिए भानवी सिंह तैयार हैं, कहीं ना कहीं ये बात साफ होती दिखाई दे रही है। जो ट्वीट उन्होंने किया है, कहा है अपनी व्यक्तिगत लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, लेकिन जो महिला हितों के लिए काम करना है वो भी जरूर करूंगी, आप इंतजार करिए। तो भानवी सिंह जो अलग रह रही है राजा भैया से, वो ये कह रही है कि जो केसेस उन्होंने दायर कराए हैं राजा भैया के खिलाफ, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। और इसके बाद आप अपनी आगे की रणनीति को तेज करने की तैयारी में भानवी सिंह नजर आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि राजनीति में उतरूंगी और साफ तौर पे कह रही हैं कि अब एक्शन लूंगी। और बातचीत करने के लिए और हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये कहूं कि राजनीति में अब राजा भैया को मात देने की तैयारी में उनकी पत्नी? देखिए, भावनी सिंह का ये जो मामला है काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। वह लगातार क्या कहते हैं कि अपने आप को पीड़ित बता रही हैं, जैसा कि उन्होंने पहले तो जो अच्छे प्रताप हैं उनके खिलाफ शिकायत करती हैं पुलिस में, फिर राजा भैया के खिलाफ जो ये केस करती हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी पीड़ा को देखते हुए वो तमाम महिलाओं के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ती हैं। और भावनी सिंह यह कहती हैं कि जब मैं इतना रसूख रखती हूँ, जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, जब मेरा ये हश्र है, जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, जब मेरे ऊपर लगातार जब अत्याचार हो रहे हैं, जब उसको कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो हिंदुस्तान के तमाम घरों में जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, इसको आधार बनाकर वह एक राजनीतिक में एंट्री लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए संकेत दे रही हैं। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में यह पता चलेगा कि ये जो राजनीतिक एंट्री है वह क्या उनका वो न्यूट्रल कदम होगा या किसी दल के द्वारा होगा, किस दल में जाएंगी, किस तरह की राजनीतिक शुरुआत करेंगी, या महिलाओं के लिए या अपने लिए किस तरह का लड़ाई लड़ेंगी, आने वाले समय में तय होगा। लेकिन राजा भैया की जो मुसीबतें हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। लगातार विवादों में राजा भैया का नाम आता रहा है। अभी चुनाव में ही देखा गया, लोकसभा चुनाव में राजा भैया बहुत कंफ्यूज में थे कि भाजपा के साथ रहें कि सपा के साथ रहें। तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने अपील भी किया कि कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, चाहे जो फैसला लें। नतीजा ये रहा कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा की हार हुई। तो तमाम तरह की अटकलें हैं। तो राजा भैया अपने आप को लेकर विवादों से दूरी नहीं बना पा रहे हैं, चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो राजनीति का मामला हो, चाहे वो रसूख का मामला हो। राजा भैया का जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है। जी,
के पहले भी इसी तरीके की अटकलें लगाई जाती रही, क्योंकि मामला यही है कि जो केस दर्ज करवाया गया उस पर एक्शन नहीं हो रहा, जिसे जो भानवी है वो एक तरह से कहें कि समझ रही हैं कि सत्ता का साथ है, या यूं कहें कि उनके जो अपने लोग हैं उनका साथ है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये माने कि इस बार ये एक्शन होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई मरतबा ये सुना है कि राजनीति में आने वाली है, राजनीति में आने वाली है, लेकिन उस दौरान वो एक्शन नजर नहीं आया, लेकिन इस बार क्या ये माने